हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं करने जा रही हूँ पीस लिली प्लांट की रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के साथ मैं आपको बताऊँगी इसकी कंप्लीट केयर टिप्स। और आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की हालत क्या है, कैसी इसकी ग्रोथ है। पूरा फैल गया है ये और इसके पत्ते भी पीले पड़ने लगे हैं। रूट इसके ड्रेनेज होल से निकल रहे थे तो इसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। अभी मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगी और साथ में आपको बताऊंगी इसकी केयर कैसे करना चाहिए। तो पहला टिप्स है, पीस लिली प्लांट एक हार्डी प्लांट है तो इसकी ज़्यादा केयर मत कीजिएगा। कभी कभी ओवर केयर से प्लांट मर जाते हैं। दूसरी टिप्स ये है कि पीस लिली एक नासा रेकमेंडेड एयर प्योरीफाइंग प्लांट है तो इसे बेडरूम में, लिविंग रूम में, विंडो के पास आप रख सकते हैं। ये पार्शियल शेड लविंग प्लांट है तो इसे पार्शियल शेड में रखें, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, ब्राइट लाइट में ना रखें। ब्राइट लाइट में रखने से इसके पत्ते जलने लगते हैं। और तीसरी टिप्स ये है कि इसकी वाटरिंग का खास ख्याल रखिए। कभी कभी ओवर वाटरिंग से प्लांट मर जाते हैं तो इसमें कम से कम पानी डालिए। सॉइल की ऊपरी लेयर पूरी तरह से सूखने के बाद ही इसमें पानी दे। ओवर वाटरिंग करने से अच्छा है आप इसे अंडर वाटर रखें, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहेगी और प्लांट भी बच जाएगी। चौथी टिप्स ये है कि कैसे इसकी रिपोर्टिंग करनी है, कैसे सॉइल मिक्सचर में इसको लगाना है। पीस लिली प्लांट किसी भी मिट्टी में ग्रो हो जाती है तो मैंने यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा लिया है, 50% मिट्टी लिया है मैंने और 25% कंपोस्ट, 25% कोकोपीट भी मैंने इसमें मिलाया है। पहले तो गमले में ड्रेनेज होल बना ले। ड्रेनेज होल को पत्थर से या फिर टिकरी से अच्छी तरह से कवर कर लेना है, जिससे गमले में पानी ना रुके। और रिपोर्टिंग करते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जिस भी प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे हो उस पॉट को ड्राई रखें, 4 से 5 दिन तक पानी ना दे। जब भी प्लांट को पॉट से निकाल रहे हो तो आसानी से मिट्टी के साथ रूट को डैमेज किए बिना उसे निकाल सके और दूसरे पॉट में आसानी से प्लेस कर सके। पीस लिली प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए समय समय पर इसकी रिपोर्टिंग करते रहिए। रिपोर्टिंग करने से इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और इसकी मल्टीपल प्लांट भी आप पा सकते हैं। रूट डिवीजन से इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसे इसकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और कई सारे प्लांट भी आप इसकी बना सकते हैं। अभी मैं इसकी रूट डिवीजन नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही इस प्लांट को बड़े से पॉट में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि मेरा प्लांट बहुत छोटा है और भी इसे बढ़ना है, इसके और भी नए प्लांट्स निकल आने हैं, तभी मैं इसकी रूट डिवीजन करके इसको मल्टीप्लाई करूँगी। और जब भी मैं इसकी रूट डिवीजन करूँगी, इसकी मल्टीप्लाई करूँगी, उसकी भी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरे चैनल में बने रहिएगा, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब मैं प्लांट निकाल रही थी, इसकी नीचे की मिट्टी पॉट में ही रह गई। आप देख सकते हैं इसकी रूट को, बहुत रूट फैल गया था, बहुत थिक रूट है पीस लिली प्लांट की। और इस चिकनी मिट्टी को मैं थोड़ा बहुत हटा लूँगी, क्योंकि चिकनी मिट्टी में प्लांट अच्छी तरह से ग्रो नहीं होता है। और ऊपर से ही मैं मिट्टी निकाल रही हूँ, पूरा मिट्टी नहीं निकालूँगी क्योंकि इससे रूट शॉक में चला जाएगा। थोड़ा सा ही मिट्टी हटा के मैं इसे पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ। और जो पीले पड़ चुके हैं ड्राई लीव से, इसे मैं अभी हटाऊंगी। इस तरह से कट करके आप हटा दीजिए और महीने में एक बार पीस लिली की प्रोनिंग करते रहिए। इससे प्लांट की एनर्जी से हो जाएगी और ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। अभी मैं इस पॉट में मिट्टी दे दूंगी। पॉट के चारों तरफ आपको अच्छी तरह से मिट्टी देना है और जो सॉइल मैंने बनाया है उसमें मैंने कंपोस्ट और कोकोपीट भी ऐड किया है, जिससे मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहेगी। और पीस लिली प्लांट मॉइस्ट लविंग प्लांट है तो इसमें हमेशा वाटर बॉटल से स्प्रे करते रहिए। स्प्रे बॉटल से स्प्रे करने से इसकी जो हार्ड लीव्स है ना, फ्रेश हो जाएगी और शाइन करने लगेगी।
पॉट में मैंने अच्छी तरह से मिट्टी दे दिया है। अभी मैं इसमें अच्छी तरह से पानी दूंगी। और पानी देते वक्त एक बात का याद रखना है, एक्स्ट्रा पानी जो है ना ड्रेनेज होल से निकल जाना चाहिए, इस तरह से आपको पानी देना है। और पानी देने से इसकी मिट्टी भी अच्छी तरह से नीचे की तरफ सेट हो जाती है। आप देख सकते हैं इसके एक्स्ट्रा पानी जो है ड्रेनेज होल से निकल गया है। अभी मैं इसे बाहर रख दूंगी। इसे मैं बाहर रख रही हूँ और इसे मैं बिल्कुल विंडो के पास रख रही हूँ, जिससे इसमें इनडायरेक्ट सनलाइट पड़े। और इस तरह से आप भी पीस लिली प्लांट की केयर करें। और एक महीने के बाद आप मेरे पीस लिली प्लांट को देख सकते हैं कैसी इसकी ग्रोथ है। और बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो हो रहा है। इसमें फूल भी निकल आए हैं, 3 फूल निकल आए इसमें, और बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो हो रहा है। आप भी इस तरह से अपने पीस लिली को ग्रो कर सकते हैं, इसे फूल पा सकते हैं। बस मेरी बताए हुए टिप्स एंड केयर को फॉलो कीजिए और इसी तरह से आपकी भी पीस लिली हमेशा अच्छी तरह से ग्रो करेगी। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।